शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिविल लाइंस में 18.5 लाख रुपयों की डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, साथ ही 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को आमदार निवास के सामने ब्रिंक्स प्राइवेट कंपनी के 18,30,000 लूटने वाले 6 बदमाशों में से 4 को अपराध शाखा और एंटी बर्गलरी स्क्वाड ने 10 घंटों के अंदर धर दबोचा है। बदमाश वाठोड़ा लेआउट निवासी योगेश विनायक 17वां उम्र 32, वाठोड़ा लेआउट मंगेश वासुदेव उम्र 33, नागरेश्वर नगर पारडी निवासी 21 वर्षीय आकाश धोटे, मस्का सात निवासी निक्की उर्फ निखिल धनराज गोखले उम्र 20 आरोपियों के पास से बाइक, एक वेस्पा और लूट की रकम 6,77,000 रुपए मिले है। गौरतलब है कि सोमवार की दोपहर 6 बदमाशों ने ब्रिंक्स प्राइवेट कंपनी के 2 कर्मचारियों से चाकू की नोक पर 18,31,000 रुपए लूट लिए थे। दोनों कर्मचारी पैसे लेकर एक्सिस बैंक सिविल लाइंस एमजी हाउस जमा करने के लिए जा रहे थे। उत्तम कार्य के लिए टीम को 1 लाख का इनाम। घटना के 10 घंटे के अंदर ही आरोपियों को पकड़ने में सफल अपराध शाखा पर नियुक्ति अधिकारी और कर्मचारी और टीम को उत्कृष्ट काम के लिए 1 लाख का इनाम देने की घोषणा नागपुर पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय द्वारा की गई है। दिनांक 1 जून रोजी नागपुर शहर इधे एक 18,31,000 ची एक मोटी रॉबरी झालेली आहे, ज्यामध्ये ब्रिंक्स कंपनीचे लोक जे आहे ते रक्कम शंकरनगर इथून घेऊन LIC जे ऑफिस आहे इथून घेऊन ॲक्सिस बँकेत जमा करण्यासाठी जात होते। तर सिव्हिल लाईन्स इथे MLA हॉस्टेलसमोर जे आहे 3 बाईकवर 6 लोक आले आणि ब्रिंक्स कंपनीचे जे दोघं लोक मोटरसायकलनी रक्कम घेऊन जात होते त्यांच्या हातून जे आहे 18,31,000 रक्कम हिसकावून पडवून गेले। लगेच जे आहे ते बर्डी पोलीस स्टेशनची टीम आणि क्राईम ब्रांचची टीम याच्यामध्ये कार्यान्वित करण्यात आली आणि 12 तासाच्या अंदर जे आहे घटनेचा छडा लावून जे आहे 4 व्यक्तींना अटक करण्यात आली, ज्यामध्ये जे आहे पद्गंभीरवार 17वार आणि आकाश धोटे हे मुख्यतः राहणारे जे आहे वाठोडा पारडी या एरियाचे आहेत आणि त्यांच्याजवळून जे आहे 6,75,000 ही रक्कम जप्त करण्यात आली आणि घटनेत वापरणारे 2 मोटरसायकलीसुद्धा जप्त करण्यात आल्या आणि हे 12 तासाच्या अंदर एवढ्या मोठ्या रॉबरीचा खुलासा करण्याबद्दल जे आहे माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांनी जे आहे त्याला 1 लाख रुपयाचा इनाम घोषित केलेला आहे। जी क्राईम ब्रांचची आमची टीम होती चौरसिया त्रिपाठी यांच्या अंडरमध्ये जी कार्य करत होती त्यांना या उत्कृष्ट कार्याबद्दल जे आहे माननीय आयुक्त साहेबांनी बक्षीस दिलेलं आहे आणि पुढील जे आहे याच्यामध्ये पुढील तपास सुरू आहे आणि इथे 10 ते 12 आरोपी अजून एकूण असण्याची शक्यता आहे तर त्याच्यासाठी टीम अजून जी आहे आमची कार्य करत आहे, पुढील तपास सुरू आहे। पुलिस सूत्रों के अनुसार योगेश गत 5 वर्ष से ब्रिंक्स प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। कंपनी द्वारा जमा की गई रकम को लूटने की योजना बनाई। इस बारे में योगेश ने मंगेश को बताया तो उसने खंडेश्वर को टीप देकर कुछ और लोगों को इसमें शामिल करने के लिए कहा। उसके बाद 6 आरोपियों ने 3 बाइक पर जाकर घटना को अंजाम दिया। सोमवार को दिन दहाड़े सिविल लाइंस परिसर में चाकू का डर दिखाकर ब्रिंक्स कंपनी के कर्मचारी श्रीकांत इंगले सराईपेट इमामवाड़ा सतीश वांदे दिघोरी निवासी को चलते बाइक से धक्का देकर गिराया और बैग में भरे 18,31,000 रुपए नकद छीनकर फरार हो गए थे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।